Welcome back to video 12. In this video, today I am going to discuss about the concept of dynamic initialization of 2D array in C. So my dear students, before starting the program, I would like to give you a brief introduction about the concept of nested loop. I'm going to discuss you about the concept of nested loop. As I have discussed in single dimensional array, to initialize a single dimensional array dynamically, we use the concept of for and scanner function. जब मैंने single dimensional array के बारे में जब मैं आपको बता रही थी, उस समय हमने देखा था कि हम लोग कैसे for loop का use करके और C का जो inbuilt function है scanner, उसका यूज करके हमने कैसे सिंगल डायमेंशनल एरे को डायनेमिकली इनिशियलाइज किया था. इन द सेम फैशन, इन द सिमिलर फैशन हम अभी डिस्कस करेंगे अबाउट नेस्टेड लूप. नेस्टेड लूप, नेस्टेड फॉर का क्या सिंटैक्स है, बिकॉज इन केस ऑफ टू डायमेंशनल एरे हमें वहां पे दो लूप को यूज करना पड़ेगा. एक लूप हमारे रो को कंट्रोल करेगा और दूसरा लूप हमारे कॉलम को कंटेन करेगा. तो अभी मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप. नेस्टेड लूप मीन्स इफ वी आर गोइंग टू यूज फॉर इनसाइड फॉर, अगर हम एक लूप के अंदर दूसरे लूप को यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप. जैसे अभी मैं आपको नेस्टेड लूप में, अभी हम लोग फॉर को देखेंगे, मैं अपने प्रोग्राम में फॉर लूप का यूज करूंगी. तो अभी मैं जो सिंटेक्स आपको बता रही हूँ, दैट विल बी द सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड फॉर. इट मीन्स फॉर लूप के अंदर हम लोग एक और फॉर लूप को यूज करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड फॉर, बिकॉज वी विल बी यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट टू डायनेमिकली इनिशियलाइज अ टू डायमेंशनल एरे. सो हियर आई हैव रिटन फॉर, यहां पे मैंने फॉर लिखा है, फॉर के बाद मैंने फॉर का इनिशियलाइजेशन सेक्शन लिखा है, कंडीशन लिखा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा है, फिर यहां पे मैंने एक और फॉर यूज किया. तो ये जो फॉर आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आउटर फॉर. दिस फॉर इज कॉल्ड आउटर फॉर एंड बेसिकली इस दिस फॉर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ रोज. आपको कितना रोज चाहिए, उस केस में हमारा जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो हमारा क्या होता है, दिस आउटर फॉर. तो सबसे पहले स्टेप को जब हम रन करेंगे, तो सबसे पहले हमारा स्टेप वन रन करेगा, दैट इज इनिशियलाइजेशन. इसके बाद कंडीशन पे जाएंगे, अगर कंडीशन ट्रू होता है तब हम लोग इस फॉर के इनसाइड वाले फॉर में आएंगे, विच इज नोन एज इनर फॉर. सो दिस इज आउटर फॉर. इस फॉर का यूज हम लोग करेंगे डिसाइड करने के लिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं. तो जैसे ही ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा, वी विल कम इनसाइड दिस इनर फॉर एंड इनर फॉर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स. और इनर फॉर किस चीज के रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस इनर फॉर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स. इट मीन्स स्टेप वन वैल्यूज हैज बीन इनिशियलाइज्ड. जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा हम लोग इनर में आ गए. इट मीन्स रो वन, पहले रो के हम लोग किस कंडीशन में आ गए, इट मीन्स इनर कॉलम्स, राइट. तो ये हमारा थर्ड स्टेप में ये इनिशियलाइजेशन सेक्शन, फोर्थ में आपका ये कंडीशन होगा. अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिफ्थ में आप कहां आएंगे, अपने बॉडी में आएंगे. जो भी स्टेटमेंट आप यहां पे लिखेंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा. उसके बाद वी विल मूव टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट सेक्शन ऑफ इनर फॉर. उसके बाद हम लोग किसमें मूव करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन ऑफ इनर फॉर. उसके बाद जो वैल्यू यहां से इनिशियलाइज हुई थी, अब वो वैल्यू यहां पे अपडेट हो जाएगी. फिर उस वैल्यू को वापस फिर हम लोग इस कंडीशन से क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे. इफ दिस कंडीशन विल बी ट्रू, तो अगेन हमारा ये बॉडी एग्जीक्यूट करेगा और हमारा ये इनर फॉर तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि हमारा कंडीशन ट्रू है. इट मीन्स हम लोग अभी आउटर फॉर के एक वैल्यू के लिए, फॉर सिंगल वैल्यू, हमारा इनर फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा जब तक ये कंडीशन गलत नहीं हो जाए. जैसे ही ये कंडीशन गलत होगा हम लोग इस इनर फॉर से बाहर आएंगे.
इंक्रीमेंट सेक्शन ऑफ आउटर फॉर, जो हमारा आउटर फॉर है उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन पे हम लोग आएंगे। उसके बाद फिर हमारी वैल्यू किसकी अपडेट होगी, आउटर वेरिएबल की। जैसे ही हमारा आउटर वेरिएबल का वैल्यू अपडेट होगा फिर से हम लोग इस कंडीशन से उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से हमारा ये कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इनर फॉर विल बी रिपीटेड। सो माय डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव डिस्कस्ड दैट वी कैन यूज फॉर इनसाइड फॉर ऑल्सो, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज नेस्टेड फॉर। वी हैव टू कीप इन आवर माइंड दैट आउटर फॉर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ रोज। हमारा आउटर फॉर किस चीज के लिए यूज होता है, नंबर ऑफ रोज के लिए। जो हमारा इनर फॉर होता है वो डिसाइड करेगा एक पर्टिकुलर रो में फॉर द वन वैल्यू ऑफ आउटर वेरिएबल हमारा इनर लूप कितनी टाइम्स चलेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस इनर फॉर। सो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड फॉर। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग वन पैटर्न, मैं आपको एक पैटर्न अभी डिजाइन करके दिखाऊंगी जिसपे मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको बताऊंगी। आफ्टर दैट वी विल मूव टू द प्रोग्रामिंग सेक्शन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। सो माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर डिस्कसिंग द सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड फॉर, नाउ लेट्स राइट अ प्रोग्राम। सपोज हमें ये पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करना है। दिस इज द क्वेश्चन दैट हमें एक वी हैव टू डिजाइन अ प्रोग्राम, हमें एक प्रोग्राम डिजाइन करना है जिसकी वजह से ये पैटर्न जो है वो स्क्रीन पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जब आप इस पैटर्न को देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक आइडिया जनरेट हो रहा है कि ये जो हमारे हैं ये सारे हमारे क्या हो गए, रोज। ये सारे हमारे क्या हो गए, रोज। इट मीन्स इस पैटर्न के टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, वन आर वन आर टू आर थ्री एंड आर फोर। सो देयर आर फोर रोज। नाउ लेट्स सी हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर। दिस इज कॉलम वन, ये जो आपका है कॉलम वन हो गया, ये आपका कॉलम टू हो गया, ये आपका कॉलम थ्री हो गया, ये आपका कॉलम फोर हो गया, एंड दिस इज द कॉलम फाइव। तो ये आपका हो गया सी वन सी टू सी थ्री सी फोर एंड सी फाइव। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि व्हेनेवर देयर विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ रो एंड कॉलम, जैसे ही रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट आएगा, इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मींस जो हमारा आउटर लूप होगा वो किस चीज को डिसाइड करेगा, कितना रोज हमें चाहिए। इन दिस क्वेश्चन वी नीड फोर रोज। इस क्वेश्चन में हमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितना चाहिए, चार, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स हमें कितने चाहिए, पांच। इट मींस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दो लूप का यूज करेंगे। एक लूप जो हमारा होगा वो डिसाइड करेगा फॉर दिस रोज कि हमें कितना रो चाहिए, एंड द सेकेंड लूप वो डिसाइड करेगा एक पर्टिकुलर रो में इन फॉर वन पर्टिकुलर रो कितने कॉलम्स आपको चाहिए, क्योंकि जो हमारा लूप का मूवमेंट होगा वो रो वाइज होगा। रो वन सेलेक्ट होगा, रो वन के सारे कॉलम्स पहले प्रिंट होंगे, आफ्टर दैट रो टू में आएंगे, फिर रो टू के सारे कॉलम्स को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो अभी मैंने आपको सिंटेक्स डिस्कस किया था उसी पे इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया आई और जे, मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल लिया, आई लिया मैंने फॉर फर्स्ट लूप दैट इज फॉर रो और जे मैंने लिया फॉर कॉलम। अब मैंने यहाँ पे उस सिंटेक्स को लिख दिया फॉर आई इक्वल्स टू वन से मैंने शुरू किया। आप यहाँ किसी भी नंबर से शुरू कर सकते हैं क्योंकि आउटर लूप सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करेगा नंबर ऑफ टाइम्स। तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास चार रो है तो आउटर लूप को आपको ऐसे लिखना है कि आउटर लूप कितनी बार चलनी चाहिए, फोर टाइम्स। तो मैंने यहाँ स्टार्ट किया वन से और मैंने यहां लिख दिया आई लेस देन इक्वल टू फोर आई प्लस प्लस। अब जैसे आई की वैल्यू वन, इट मीन्स रो वन। अगर आप देखो आई की वैल्यू वन, इट मीन्स रो वन। अब मैंने आपको बताया कि प्रिंटिंग कैसे होगा, तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर रो में जितने कॉलम्स होंगे वो सारे कॉलम्स क्या होंगे आपके प्रिंट, मतलब रो वाइज प्रिंट होगा। पहले ये रो पूरा फिल होगा, उसके बाद हम लोग सेकेंड रो में आएंगे, सेकेंड रो की सारी वैल्यूज प्रिंट होगी, उसके बाद हम लोग थर्ड रो में आएंगे, ठीक है। तो आई की वैल्यू
1, it means row 1. अभी हम कहां पे हैं? First row के पास हैं. Condition हमारा क्या है? True. I less than equal to 4. Condition क्या है? True. तो condition true रहने के बाद हम लोग कहां move करेंगे? Towards the inner loop. अब inner loop मैंने बताया था. Inner loop किस चीज के लिए use होता है? Number of columns के लिए. तो यहां पे first row में कितने columns हैं? C1, C2, C3, C4, C5. It means अब जो हम यहाँ पे inner loop लिखेंगे वो कितने times चलना चाहिए? 5 times. But my dear student, यहाँ पे आपको ध्यान भी रखना है. यहाँ पे आप कोई भी values नहीं ले सकते. यहाँ पे आप वैसे ही values लिखोगे जो आपके question का requirement होगा. जैसे question का requirement हमें क्या print करना है? 1, 2, 3, 4, 5. It means अब जो मैं यहाँ पे दूसरा for ले रही हूँ, J equals to 1 से मैं इसलिए शुरू करें क्योंकि मुझे 1 को प्रिंट करानी है. यहाँ पे आप 10 to 14 ले सकते थे, यहाँ पे आप 20 to 24 ले सकते थे क्योंकि आउटर लूप सिर्फ उतनी टाइम्स चलने के लिए यूज हो रहा है. वेयर एज इस इनर लूप को हम लोग प्रिंटिंग में भी यूज करेंगे. तो इनर लूप में जो आप वेरिएबल की वैल्यू लोगे वो डिपेंड करेगा आपको कैसा पैटर्न प्रिंट करना है. ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं 1 से और हमें कहां तक जाना है? 5 तक. फिर यहां पे जे प्लस प्लस. अब यहां पे मैंने लिख दिया प्रिंट प्रिंट एफ परसेंट डी स्लैश टी मैंने लिख दिया सो दैट देयर विल बी अ गैप बिटवीन 1 एंड 2. और फिर मैं यहां पे जो प्रिंट कर रही हूं तो मैं किसकी वैल्यू प्रिंट कर रही हूं? जे की वैल्यू. अभी इस प्रोग्राम को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारा नेस्टेड फॉर यूज हो रहा है. कैसे देखिए, यहां पे हमने शुरू किसे किया? आई की वैल्यू 1 थी. कंडीशन हमारा क्या है? ट्रू है. हम कहां मूव करेंगे? यहां. अब आउटर लूप का क्लोज कर दो. आउटर लूप आपका क्या हो गया? क्लोज हो गया. अब जे की वैल्यू क्या है? 1. कंडीशन क्या है? ट्रू है. जे लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू. अब हम कहां मूव करेंगे? नीचे. तो यहां क्या मैंने लिखा है? परसेंट डी जे. जे की वैल्यू क्या है? 1. तो यहां पे क्या प्रिंट हो गया आपका? 1. अब हम मूव नहीं करेंगे. अब हमें इस लूप से बाहर हमें अभी मूव नहीं करना है क्योंकि अभी ये लूप आपका फॉल्स नहीं हुआ है. इसकी बॉडी को प्रिंट करने के बाद हम लोग मूव करेंगे जे प्लस प्लस. तो जे की वैल्यू क्या थी? 1. नाउ जे की वैल्यू क्या हो गई? 2. पहले जे की वैल्यू 1 थी, अब यहां पे जे की वैल्यू क्या हो गई? 2. तो ये कंडीशन अभी भी क्या है? ट्रू है. इट मींस फिर से ये बॉडी हमारा एग्जीक्यूट करेगा और इस बार जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 2. यहां पे जे की वैल्यू 2 प्रिंट होगी. अगेन वी आर नॉट आउट ऑफ द लूप. अभी हम लूप से बाहर नहीं गए हैं. फिर हम लोग जे प्लस प्लस. तो जे की वैल्यू 1 थी, प्रिंट हो गई. जे की वैल्यू 2 थी, प्रिंट हो गई. जे प्लस प्लस, नाउ इट इज 3. अगेन कंडीशन इज ट्रू. फिर हम नीचे आएंगे, इस बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, क्या प्रिंट होगा हमारा? 3 प्रिंट हो गया. ठीक है, फिर हम गए जे प्लस प्लस पे. जे की वैल्यू 3 से क्या हो गई? 4. कंडीशन अभी भी क्या है? ट्रू. तो क्या प्रिंट होगा? 4. तो आपका 4 प्रिंट हो गया. अगेन नेक्स्ट टाइम जब हम इस अपडेशन सेक्शन में आएंगे तो जे की वैल्यू क्या हो गई? 5. कंडीशन इज स्टिल ट्रू. फिर हमारा ये बॉडी क्या होगा? एग्जीक्यूट करेगा और हमारा प्रिंट क्या कर देगा? 5. द मोमेंट इस जे की वैल्यू 6 हो गई, ये कंडीशन हमारा क्या होगा? फॉल्स. जैसे ही इस जे की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई, ये कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स. द मोमेंट दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स वी विल कम आउट ऑफ द लूप. उस केस में हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे. वी विल कम आउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लूप. और जैसे हम इस लूप से बाहर आ रहे हैं तो मुझे स्टेटमेंट क्या मिल रहा है? शेयर्स एंड. इट मींस अब हमारा जो प्रिंटिंग का काम होगा वो इस रो को छोड़ के हम किस रो में मूव करेंगे? नेक्स्ट रो. इस एलएन स्लैश एलएन की वजह से जो हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर है जिसकी वजह से ये रो प्रिंट होने के बाद हमारा कर्सर कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा. तो हमारा ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, ये पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, ये कंप्लीट बॉडी जो थी आउटर फॉर की वो एग्जीक्यूट हो गई. इसके बाद हम कहां मूव करेंगे? आई प्लस प्लस. आई की वैल्यू क्या थी? 1. अभी आई की वैल्यू क्या हो गई? 2. इट मींस कंडीशन अभी भी क्या है आपका? ट्रू. इट मींस अब हम लोग किस रो पे आ गए हैं? रो 2 पे. फिर इस रो के लिए जो हमारा इनर फॉर है वो कितने टाइम्स चलेगा? 5 टाइम्स, जो मैंने इस स्टेप में रिपीट किया. अब इसी
करेंगे हमारा ये रो भी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर हम स्लैशिंग की वजह से फिर हमारा कर्सर कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा। फिर i की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, अब i की वैल्यू क्या होगी, 3। कंडीशन अभी भी क्या है, ट्रू। इट मींस फिर से ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स, और फिर से जाके हमारा 1, 2, 3, 4, 5 प्रिंट हो जाएगा। अगेन स्लैश एन, हमारा कर्सर यहां आ जाएगा। उसके बाद फिर वापस जाएंगे आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। इट मींस रो 1, रो 2, रो 3 हमारा कंप्लीट। अब हम लोग किस पे आ गए, लास्ट रो, दैट इज रो 4। कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर उस रो 4 के लिए भी ये जो मेरा इनर फॉर है वो कितने टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, 5 टाइम्स, और हमारा ये 5 वैल्यूज स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। फिर ये स्लैशिंग की वजह से कर्सर यहां पे आ जाएगा। द मोमेंट आई की वैल्यू आई प्लस प्लस क्या हो जाएगी, 5। सो दिस कंडीशन बिकम्स फॉल्स नाउ, उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। उसके बाद हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, आउटर लूप से भी हम बाहर आ जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को मैं यूज करके मैं आपको बताई कि हाउ वी कैन ट्रेवल इनसाइड रोज एंड कॉलम्स, हम कैसे रो के अंदर कॉलम्स के अंदर कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, हाउ आउटर लूप वर्क्स, आउटर लूप कैसे वर्क करता है, हमारा इनर लूप कैसे वर्क करता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब तक कि हमारा इनर लूप फॉल्स नहीं हो जाएगा हम इस लूप से बाहर नहीं निकलेंगे। द मोमेंट इनर लूप बिकम्स फॉल्स देन वी मूव टू द अपडेशन सेक्शन ऑफ आउटर लूप एंड इफ कंडीशन विल बी ट्रू अगेन दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड एज नंबर ऑफ टाइम्स द कंडीशन इज ट्रू। सो माय डियर स्टूडेंट, आफ्टर डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप, अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया कैसे हम आउटर फॉर का यूज कर रहे हैं, कैसे इनर फॉर हमारा मूव कर रहा है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम एक बार इसको एक 2D आई मैंने क्रिएट किया ए से, जिसका 3x3, इट मीन्स देर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इन द लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस दिस इज रो साइज एंड दिस इज कॉलम साइज। यहां पे मैंने एलिमेंट्स को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कैसे इंडिविजुअल एलिमेंट को फेच करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें वहां पे 2 इंडेक्स का यूज करना पड़ेगा, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। तो नाउ माय डियर स्टूडेंट प्लीज कॉन्सेंट्रेट कि मैंने क्यों बोला आपको कि 2 लूप हमें यूज करना पड़ेगा। एक लूप जो हमारा होगा दैट विल बी डिसाइडिंग रोज, वो क्या बताएगा, रो को। इट मीन्स आई हमारा कौन सा इंडेक्स देगा, रो का इंडेक्स देगा, और उस पर्टिकुलर रो में जे हमारा क्या बताएगा कि वो कौन से कॉलम में हमारा एलिमेंट है। इट मींस अगर मुझे इस 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ लूप, अगर मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप, तो हम लोग कैसे इस कोड को लिखेंगे। मैंने आपको बताया था इंडेक्सिंग हमारी शुरू किससे होती है, 0 से। इट मींस जैसे ही 3x3 का मैट्रिक्स हमारा यहां पे बना, इट मींस देयर विल बी 3 रोज एंड देयर विल बी 3 कॉलम्स। आपके 3 रोज है, 3 कॉलम होंगे। इंडेक्स किससे शुरू होगा, 0 से शुरू होगा। कॉलम का भी इंडेक्स किससे शुरू होगा, 0 से। इट मींस ये हमारा क्या हो गया, 0 0, ये हमारा हो जाएगा 0 1, दिस इज 0 2, दिस इज 1 0, दिस इज 1 1, दिस इज 1 2, दिस इज 2 0, 2 1 एंड 2 2। तो ये मैंने आपको इंडेक्सिंग कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कैसे इस इंडेक्स को आई और जे के टर्म्स में मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूं। सपोज एरे क्रिएट हो गया, उसमें हमने एलिमेंट्स को भी इनिशियलाइज कर दिया। अब हम लोग यहां पे 2 वेरिएबल लिए, आई और जे। आई मैंने लिया है रो इंडेक्स के लिए और जे वेरिएबल का यूज मैं कर रही हूं फॉर कॉलम इंडेक्स। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रो। फर्स्ट रो का हमारा इंडेक्स क्या है, 0। इट मींस आई को मैंने किससे शुरू किया, 0 से, राइट। और चूंकि हमारे पास रो कितने हैं, 3, तो जो लास्ट रो होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, 2। इट मींस ये लूप किसके लिए चलेगा, 0 के लिए ट्रू होगा, 1 के लिए ट्रू होगा और 2 के लिए ट्रू होगा। तो फर्स्ट केस में जब हम देख रहे हैं i की वैल्यू हमारी 0 है, ये कंडीशन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। जब ये कंडीशन हमारा ट्रू हो गया, इट मींस हम लोग कहां पे हैं, अभी फर्स्ट रो पे हैं।
अब इस फर्स्ट लूप के बाद इस कंडीशन के ट्रू होने के बाद हम लोग इनर लूप में आते हैं और मैंने आपको बताया था इनर लूप किसका किस चीज का रिस्पॉन्सिबल होता है. दिस इनर लूप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स. ये क्या डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ कॉलम्स. तो अगेन कॉलम्स हमारा किससे शुरू होगा? इंडेक्स 0 से 1 और 2. इसलिए मैंने जे को भी किससे शुरू किया है? 0 से. जे की लास्ट वैल्यू मैंने क्या दिया है? 2. क्योंकि जो हमारा कॉलम जो थर्ड कॉलम है उसका इंडेक्स क्या होगा? 2. तो हमारा अभी जे की वैल्यू क्या है? 0. कंडीशन क्या है? ट्रू. अब हम लोग कहां आ जाएंगे? इस प्रिंट स्टेटमेंट में. प्रिंट में मैंने लिखा है परसेंटेज लास्टिंग. अब आप यहां पे देख सकते हो मैंने आई को भी यूज किया है और मैंने जे को भी यूज किया है. तो आई हमारा क्या बता रहा है? रो इंडेक्स. आई वेरिएबल को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? रो इंडेक्स के लिए. और जो हमारा जे वेरिएबल है, जे वेरिएबल है उसको हम लोग यूज कर रहे हैं कॉलम इंडेक्स के लिए. ठीक है. तो अभी जब ये लूप हमारा शुरू हुआ तो अभी आई की वैल्यू क्या है? 0. जे की वैल्यू भी क्या है? 0. इट मीन्स परसेंटी ए 0 0. इट मीन्स आई की भी वैल्यू 0 है, जे की भी वैल्यू 0 है. तो कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा? वो एलिमेंट प्रिंट होगा जिसका इंडेक्स क्या है? ए 0 0. नाउ लुक एट दिस सेल. आप इस पर देखोगे ए 0 0 में कौन सा एलिमेंट है आपका? 1. अगर आप देखोगे इस एरे को भी मैं यहां पे डिजाइन कर देती हूँ उस फॉर्मेट में सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. जो मैंने वहां पे एरे लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो सबसे पहले हमारा क्या स्क्रीन पे आएगा? ए 0 0. ए 0 0 यहां है. इस सेल में कौन सी वैल्यू है? 1. तो हमारे स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा? 1. फिर हम लोग कहां मूव करेंगे? जे प्लस प्लस. क्योंकि मैंने बताया था कि अभी हम लोग रो में है और फिर रो के सारे कॉलम्स में हम लोग क्या करेंगे? मूव करेंगे. तो जे की वैल्यू 0 थी, अब क्या हो गई? 1. कंडीशन अभी भी क्या है? ट्रू. तो फिर हम नीचे आएंगे और क्या करेंगे? एलिमेंट को प्रिंट करेंगे. इस केस में आई की वैल्यू अभी हमारी चेंज नहीं हुई है बिकॉज अभी हम लोग आउटर लूप में नहीं गए हैं. वी आर स्टिल इनसाइड द इनर लूप. तो हमारा चेंज क्या हुआ? जे की वैल्यू चेंज हुई. इट मीन्स अब हमारा कौन सा एलिमेंट प्रिंट होगा? वो एलिमेंट प्रिंट होगा जो ए 0 1 पे है. तो 0 1 इट मीन्स दिस. तो 0 1 में कौन सी वैल्यू है? 2. तो यहां पे हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा? 2. अगेन वी विल मूव टू जे प्लस प्लस. अभी जे की वैल्यू 0 के लिए हमने वर्क कर लिया, जे की वैल्यू 1 के लिए हमने वर्क कर लिया. नाउ द वैल्यू ऑफ जे बिकम्स 2. कंडीशन अभी भी क्या है? ट्रू है. जे 2 इक्वल्स टू 2. कंडीशन इज ट्रू. अगेन हमारा यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा? ए 0 2. अब आप देखो यहां पे ए 0 2 में कौन सा एलिमेंट है? दैट इज 3. इट मीन्स यहां पे क्या प्रिंट हो जाएगा आपका? 3. अब जैसे ही आप यहां मूव करोगे जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 0 थी, कंडीशन ट्रू था. जे की वैल्यू 1 थी, कंडीशन हमारा ट्रू था. अब हमारा जे का वैल्यू क्या हो गया? 2. कंडीशन उसके लिए भी ट्रू था. अब जैसे ही जे की वैल्यू 3 हो जाएगी ये कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स. जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा हम लोग इस इनर लूप, ये जो आपका इनर लूप है, इस इनर लूप से हम लोग कहां आ जाएंगे? बाहर. सो दिस इज द एग्जिट ऑफ दिस इनर लूप. हम इस इनर लूप से कहां आ जाएंगे? बाहर. जैसे आप इस इनर लूप से बाहर आएंगे आपको एक नया स्टेटमेंट यहां पर दिख रहा है, प्रिंट है स्लैशिंग. इट मीन्स वी वॉन्ट टू चेंज द लाइन. तो फिर हमारा कर्सर कहां आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा. क्योंकि मैं चाहती हूं कि जो मैंने एलिमेंट्स को यहां इनिशियलाइज किया है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में स्क्रीन पे दिखे, दैट इज रो वाइज एंड कॉलम वाइज. इस स्लैशिंग की वजह से ये जो हमारा कर्सर यहां था वो कहां मूव कर गया? यहां. तो हमारा फर्स्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, ये पूरा बॉडी एग्जीक्यूट कर गया. अब हम लोग इस पे आ गए आई प्लस प्लस. आई की वैल्यू क्या थी? 0. आई प्लस प्लस बिकम्स 1. इट मीन्स अब हम लोग किस रो में आ गए? सेकेंड रो में आ गए. तो सेकेंड रो का हमारा इंडेक्स किससे शुरू होगा? 1 से. तो जैसे आई प्लस प्लस 1 हो गया, कंडीशन क्या हो गया हमारा? ट्रू. फिर कहां मूव करेंगे? नीचे. और फिर हमारा ये जो जे होगा फिर चलेगा 0 के लिए, 1 के लिए, 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा. इट मीन्स अगेन हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल विच वैल्यू विल बी प्रिंटेड? 1 0. तो 1 0 में आपका क्या है? 1 0 में क्या है आपका?
4, तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा 4, फिर क्या प्रिंट होगा आपका 1 1, क्योंकि जी की वैल्यू 0 से फिर क्या हो जाएगी 1, तो 1 1 में कौन सी वैल्यू है 5, अगेन द वैल्यू ऑफ दिस जे विल बिकम 2, तो 1 और 2 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है 6, ये एलिमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा। अगेन व्हेन द वैल्यू ऑफ जे प्लस प्लस विल बिकम 3, ये कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स। फिर हम इस इनर लूप से बाहर आएंगे, फिर हमारा क्या है स्लैशन, इट मीन्स अगेन आपका कर्सर कहां आ गया यहां, अगेन हम लोग कहां मूव करेंगे अपडेशन सेक्शन ऑफ आउटर लूप, तो आई की वैल्यू 0 true 1 true, नाउ आई की वैल्यू क्या होगी 2, तो कंडीशन अभी भी आपका क्या है ट्रू है, फिर ट्रू रहने पर हम लोग कहां मूव करेंगे नीचे, अगेन हमारा जे किससे शुरू होगा 0 से, सो दिस टाइम पहली वैल्यू जो हमारी प्रिंट होगी वो क्या होगी 2 0, 2 0 में क्या है 7 7 हमारा यहां प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जे प्लस प्लस हमारा क्या प्रिंट होगा 2 1, 2 1 में कौन सी वैल्यू है 8 8 प्रिंट हो जाएगी, फिर ये मूव करेगा जे प्लस प्लस, इट मीन्स 2 2, तो यहां पे आप देखेंगे 2 2 इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है दैट इज 9, तो हमारा ये 9 प्रिंट हो जाएगा। अगेन जे प्लस प्लस वेन बिकम 3 दिस कंडीशन में भी फॉल्स, हम लोग इस जो हमारा इनर लूप है इससे बाहर आएंगे, और जैसे ही आप इस इनर लूप से बाहर आएगा अगेन स्लैश है, कर्सर आपका यहां आ गया। नाउ आई प्लस प्लस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3, इट मीन्स दिस कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स, नाउ देयर इज मोर नो मोर ऑप्शन टू मूव इन दिस आउटर लूप, तो हम इस आउटर लूप से भी बाहर जंप कर जाएंगे। इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन से इस लॉजिक से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि हाउ वी आर गोइंग टू मर्ज द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड लूप अलोंग विद एरे, हम लोग कैसे नेस्टेड लूप के कंसेप्ट को मर्ज करके कैसे हम डिसाइड कर पाते हैं हमारा रो कैसे कंट्रोल हो रहा है, हमारा कॉलम कैसे कंट्रोल हो रहा है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन द कंसेप्ट ऑफ रो एंड कॉलम विद द हेल्प ऑफ दिस नेस्टेड लूप टू फेच द और टू एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ टू डायमेंशनल एरे। सो नाउ आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट नाउ वी आर कंफर्टेबल टू मूव विद द प्रोग्रामिंग दैट विल बी बेस्ड ऑन टू डायमेंशनल एरे। सो इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट the programs based on two dimensional array, most of the programs will be based on matrix, so in the next videos I will be discussing and we will be practically we will be looking after that how we are going to see these concepts with the concept of two dimensional array.